भूषण ज्वेलर्स की तरफ से सभी सोलन और प्रदेश वासियों को माँ शूलिनी मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। भूषण ज्वेलर्स, भरोसा 50 सालों का, नियर सनातन धर्म मंदिर, लोअर बाजार सोलन। भूषण ज्वेलर्स, द फेमस ज्वेलरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। शैक्षणिक स्तर 2019-20 में मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य करवाए जाएंगे और कैसे करवाए जाएंगे, इसे लेकर डाइट मंडी में एक रिव्यू बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला मंडी के सभी बीआरसी, बीपीओ, बीईओ तथा डाइट समन्वयक मौजूद रहे। साथ ही इस बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के आधार पर जो ब्लॉक अभी पिछड़े हुए हैं उन्हें बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए किस तरह से कार्य किया जाए, इस पर भी रणनीति तैयार की गई है। इस अवसर पर डाइट मंडी के प्रधानाचार्य बलवीर भारद्वाज ने बैठक की पुष्टि करते हुए बताया कि डाइट में आयोजित ये रिव्यू बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। इस रिव्यू बैठक में भाग लेने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों ने अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। आज डाइट मंडी में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस मीटिंग में हमारे उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा, सभी ब्लॉक के प्रोजेक्ट अधिकारी और ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन अधिकारी और हमारे जो बीआरसीसी हैं वो भाग ले रहे हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो शैक्षणिक सत्र 2019-20 है, इसमें जो हम मुख्य कार्य करेंगे उनके ऊपर चर्चा की जा रही है। कौन से हेड में कैसा बजट आएगा, क्या काम करने हैं, कैसी ट्रेनिंग करवानी है, इसके ऊपर भी विस्तार पूर्वक जो है वो समीक्षा की जा रही है। इस वर्ष जैसे कि निर्णय लिया गया है कि NCERT द्वारा ही जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाएगी, तो उसके 5 जो हमारे की रिसोर्स पर्सन बनेंगे, हर 5 पे एक रादर ये बोलें हम, तो उनको बनाया जाएगा इन छुट्टियों में और छुट्टियों के इमीडिएट बाद जो है वो ट्रेनिंग आरंभ कर दी जाएगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हमने पूरे ज़िले में बहुत बेहतर कार्य किया है शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, जिसके फलस्वरूप हम पूरे स्टेट में प्रथम आए हुए हैं। और जहाँ पे हमारी कमजोरी रह रही है उसके ऊपर भी क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो रिजल्ट का किया जा रहा है कि क्यों पीछे रह रहे हैं, और उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है कि जिन ब्लॉक्स में हमने बहुत अच्छा काम किया है गुणवत्ता में, उनसे भी टिप्स लिए जा रहे हैं कि हम दूसरे ब्लॉक्स में भी वही काम करें और अपना जो गुणवत्ता का जो स्टैंडर्ड है उसको और बढ़ाएं। आदर्श हिमाचल ब्यूरो रिपोर्ट।